मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी जुगल। दिस इज़ माई डे 4 इन थैलासेरी एंड अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा साइट सीइंग करने यहाँ पर बाहर आया हूँ। सबसे पहले पेट पूजा करने के लिए चलते हैं जुबली रेस्टोरेंट में। मैं कल रात को इधर ही आया था एंड इधर ही आके मैंने थैलासेरी बिरयानी खाई थी, तो अभी आज देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा। तो चलिए मेरे साथ। सो गाइस, ये डिश का नाम है नेपत्ती एंड इसके साथ मुझे चने की ग्रेवी दी है अकॉर्डिंगली। एंड अभी ये खा के मैं देखता हूँ, बता दो आपको ये टेस्ट कैसा है। सो बेसिकली ये चावल से बना है। इसकी टॉपिंग में आपको जीरा राई वो सब मिलेगा जो कि पूरी की तरह है। थोड़ी ये बिट स्पाइसी है बट इट्स गुड। छोले की ग्रेवी के साथ तो बहुत अच्छा है। यहाँ से मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तो अभी चलते हैं सीधा थैलासेरी फोर्ट के पास। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली थैलासेरी फोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ऑन द वे ग्रैफिटी स्ट्रीट लग रहा था तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ आए। दिस स्ट्रीट इज़ द ग्रैफिटी स्ट्रीट यहाँ पर। ग्राफिटी आर्ट स्ट्रीट केरला में सबसे प्रचलित स्ट्रीट्स में से माना जाता है। थैलासेरी में बसा ये स्ट्रीट कदलपालम से एकदम नज़दीक है। इसका स्ट्रैप डिज़ाइन वाली पेंटिंग थलोमला आर्ट टीम ने मूवी के शूट द्वारा बनाया गया था। एक्सप्लोर करके तो हो गया है, अब चलते हैं सीधा थैलासेरी फोर्ट की तरफ। सो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो यही है थैलासेरी फोर्ट और एज नोन एज थैलासेरी फोर्ट, जो पहले का नाम था थैलासेरी वो ही रखा है। ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब इसका ध्यान सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे रखता है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते थोड़ी। फोर्ट ज़्यादा लंबा नहीं है, आप देख सकते हो कि इसकी सिर्फ तटबंदी जो है वो यहीं तक सीमित है। जैसे ये फोर्ट बराबर सिटी के अंदर ही आता है तो ये देखिए सामने ये हमारी सिटी है। सत्रह सौ आठ में बनाया जाने वाला ये किला ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बड़ा ही फ्लोरिशिंग एंड रिच हेरिटेज कल्चर्स के लिए जाना जाता था। इस किले पर दो अंडरग्राउंड चेंबर्स हैं जो पहले दालचीनी और लौंग रखने के गोदाम हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स भी यहीं से मिंटेड किए जाते थे। ये पहले लाइट हाउस हुआ करता था थैलासेरी का, जो अभी फ़िलहाल नॉन ऑपरेटेड है। और ठीक उसी के सामने हो रहा थैलासेरी चर्च। वैसे
वैसे अभी तालेसरी फोर्ट मेरा विजिट करके हो गया है और अभी आई थिंक सो तालेसरी में और कुछ स्पॉट्स बचे नहीं है, तो मैं सीधा अभी चलूँगा मुजफ्फरनगढ़ बीच में, वहाँ पर जाके थोड़ा आपको वो बीच का ड्राइव दिखाता हूँ जहाँ पर बीचेस में गाड़ियाँ चलती हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्कूटी पार्क करके फाइनली मैं आ गया हूँ ज़ारा बीच। इतना प्यारा नज़ारा है माय गॉड, चारों तरफ कोकोनट ट्रीज है, देखिए एवरीवेयर, और सामने समुंदर। देखिए इतना प्यारा नज़ारा है। वाह, प्लान में कुछ चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरा गाड़ी का जो पेट्रोल है वो मुजफ्फरनगढ़ से पहले ही थोड़ा ड्रेन हो गया था, तो इसीलिए मैं जब ऑन द वे मैंने पेट्रोल रिफिल किया तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये बीच पे चला जाए रादर देन गोइंग देयर। काश मैं आप लोग को ड्रोन शॉट्स दिखा पाता, बट क्योंकि जब मैं थैलासेरी के सी व्यू पॉइंट में जब ड्रोन उड़ा रहा था तब ड्रोन का एक प्रोपेलर उड़ के सीधा ऑलमोस्ट मेरा ड्रोन सिंक होते होते बच गया है। सो मैं अभी उसको कोईकोड में रिपेयरिंग के लिए देने वाला हूँ। सो इसके बाद मैं सीधा जाऊँगा कोईकोड, कन्नौर से ट्रेन पकड़ के मैं सीधा कोईकोड जाऊँगा और कोईकोड में मैं आज स्टे करने वाला हूँ। आई होप कि मेरा ड्रोन वहाँ पर ठीक हो जाए ताकि मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखा पाऊँ। यहाँ पर आप लोग बैठ के आराम से नज़ारा ले सकते हो। अभी यहाँ से चलते सीधा कन्नूर में जहाँ पर मैंने रेंटेड स्कूटी लिया था उसको वापस भी देना है, और वहीं से स्टेशन से होके हम चलेंगे कोईकोड। अभी मैंने मेरी जमा कर दी है, अभी जा रहा सीधा कन्नूर स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा कोईकोड। कोईकोड आ गया हूँ, तो अभी लॉज ढूंढते हैं और लॉजिंग में मैं थोड़ा बैग रख के मैं मेरा ड्रोन रिपेयर करने को देखूँगा, देखते हैं यहाँ पर आसपास कौन सा लॉज है। मैं फिलहाल ड्रोन सेंटर गया था, कैमरा सेंटर गया था वहाँ पर पूछने के लिए कि मेरा ड्रोन रिपेयर हो सकता है क्या। अनफॉर्चुनेटली ही ट्राइड हिज बेस्ट बट नहीं हुआ, क्योंकि सी वाटर जाने की वजह से पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया है and everything is damaged. So RIP to my drone, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का। तो अभी यहाँ से सीधा कोईकोड बीच चलते हैं एंड वहाँ पर जाके थोड़ा मैं मेरा अलोन टाइम स्पेंड करूँगा। ये है वो फेमस कोईकोड बीच, जस्ट लाइक मुंबई का जैसा जूहू चौपाटी रहता है ऐसे ही है। कोईकोड बीच का ऐसा नज़ारा देख के मैं तंग रह गया, मानो कि सूरज की बिगड़ता देख उसके रंग बिखरे गए हो। इस शाम का यह हसीन पल मैंने मेरे आंखों को कैद कर लिया था। कितनी हसीन है ये शाम। इस ब्यूटीफुल से सनसेट को देख के मेरा सच्ची में मन एकदम भावित हो गया है।
ऐसा लग रहा है कि ड्रोन की याद अभी भी थोड़ी थोड़ी है, बट ये सनसेट को देख के तो मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट तो हो ही गया है। और इसी प्यारे से सनसेट को देख के मैं मेरे इस ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज के दिन का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। कल का प्लान ये है कि कल मैं स्कूटी लेके यहाँ से वायनाड जाने वाला हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे ये पूरे सीरीज़ है, पूरे केरला सीरीज़ को प्लीज़ आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, क्योंकि मैं आगे जाके आगे भी ऐसे बहुत वीडियोस डालने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। इस प्यार की शाम को गुड बाय कहते हुए मैं जुगल साइन ऑफ करता हूँ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।